प्रथम तहलका न्यूज। थिएटर में धमाल करने के बाद पुष्पा फिल्म राजनीति में भी कमाल दिखा रही है। राजनीति में पुष्पा फिल्म के हर एक डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए विरोधियों को चेतावनी दी जा रही है। इससे पहले जहां पंजाब कांग्रेस ने एक पोस्टर के जरिए पुष्पा के ही स्टाइल में विरोधियों को चेतावनी दी थी, तो वहीं अब भाजपा ने भी पुष्पा को अपना लिया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिल्म के एक डायलॉग की तुलना पुष्कर सिंह धामी से कर डाली और कहा कि अपना पुष्कर तो फ्लावर भी है और फायर भी, ये न कभी झुकेगा और ना ही कभी रुकेगा। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है, यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा, हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के गंगोली हाट में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने फिल्म के एक डायलॉग को याद करते हुए विरोधियों को चेतावनी दे डाली। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर, मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है, यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा, हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की ना तो कोई नीति है और ना ही कोई नीयत, इनका विकास करने में कोई विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा देश और प्रदेश को लूटा है और हम उत्तराखंड को नहीं झुकने देंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां घर का साथ, खुद का विकास, सब पर अविश्वास और अकेला प्रयास, इसी के सहारे ये चुनाव लड़ रही हैं। इनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं। कांग्रेस में तो कांग्रेस की हालत यह हो गई है, उत्तराखंड में वह नेता घोषित करने की स्थिति में नहीं है। कौन नेता बने, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस के जीतने के बाद, यह तय नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अधिकृत रूप से कांग्रेस ने किसी नेता की घोषणा नहीं की है। घर में ही आग लगी हुई है, अंदर ही अंदर चिंगारी सुलग रही है। और घर को आग लगी है, कांग्रेस के घर को आग लगी है, तो घर के चिराग से ही आग लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, डंके की चोट पर हम लोगों ने कहा है हमारी सरकार बनेगी सीधा सरल सज्जन नौजवान, मुख्यमंत्री बनेगा तो पुष्कर धामी बनेगा। बहनों भाइयों, हम लोगों ने डंके की चोट पर घोषणा। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का ये दौर पूरी तरह से जारी है। अब ये राजनीति और कितने मोड़ लेगी, ये तो समय के साथ साथ ही चलता रहेगा। प्रथम तहलका के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।